नमस्कार दोस्तों, कृष्णा एजुकेशन एंड बुक रिव्यू चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में 17 सितंबर 2022 को टाइगर प्रोजेक्ट के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नामगिया से लाए गए 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कुन्नू नेशनल पार्क में रिलीज किया गया। मित्रों, इन चीतों को अफ्रीकी देश नामगिया से लाया गया है। दोस्तों, पहली खेप में नामगिया से 8 चीतों को भारत लाया गया है, जिनमें से 5 मादा और 3 नर चीते हैं। मित्रों, इन चीतों को नामबिया से भारत के कुन्नू नेशनल पार्क में लाने के लिए 8,280 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तय करना पड़ा है। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि इतनी दूरी से चीतों को लाना कितना मुश्किल काम होगा और इसके लिए सरकार को कितनी ज्यादा तैयारियां करनी पड़ी होंगी। मित्रों, इन चीतों को बाघ के चेहरे वाले विमान से भारत लाया गया है और इस विमान का नाम बोइंग 747 था। हम आगे कुछ बातें करें दोस्तों, इसके पहले आइए हम चीतों की कुछ खासियतों को जान लेते हैं। मित्रों, चीता दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले जानवरों में से हैं। मित्रों, इसकी रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक हो सकती है। मित्रों, चीते एक बार में 23 फीट छलांग लगा सकते हैं। आप सोच सकते हैं ये कितने फुर्तीले हैं, और 23 फीट छलांग लगाने के बाद ये 4 बार और ऐसी ही क्रिया कर सकते हैं, मतलब 4 बार 23 फीट और छलांग लगा सकते हैं। मित्रों, चीते जंगल में तो रहते हैं, लेकिन ये उन जंगलों में रहना पसंद करते हैं जहां मैदानी इलाके अधिक होते हैं, क्योंकि चीतों की आदत होती है दौड़ के शिकार करने की, और इन्हें दौड़ने के लिए सफिशियंट जगह चाहिए। अतः वह ऐसे मैदानी इलाकों में रहते हैं जहां वो आसानी से दौड़ लगा सके। चीते जिन जानवरों का शिकार करते हैं उनका वजन 40 से 60 किलोग्राम तक होता है, यानी ये छोटे छोटे जीवों का शिकार करना ज्यादा पसंद करते हैं। मित्रों, आखिरकार ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि चीतों को नामबिया से भारत लाना पड़ा, या किसी दूसरे देश से भारत लाने में आवश्यकता पड़ी? मित्रों, हम सबको पता है कि हमारा देश भारत जैव विविधता से भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी हमारे देश में ऐसी नौबत आ गई कि आज चीतों को हम नामबिया से भारत लाकर बसा रहे हैं। दोस्तों, इसके पीछे अंधाधुंध शिकार कारण रहा है। पहले के राजा महाराजा अंधाधुंध शिकार करते थे अपने शौक को पूरा करने के लिए। दोस्तों, आज से 300 से 400 साल पहले हमारे देश में चीतों की संख्या सैकड़ों से हजारों तक थी, लेकिन महाराजाओं के इन्हीं शौक ने, शिकारियों के इन्हीं शौक ने इन चीतों की संख्या को धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया। मित्रों, बाजाब्ता इतिहास में यह वर्णन है कि महाराजा अकबर ने और जहांगीर ने हजारों चीतों को कैद करके रखा था। इस प्रकार अंधाधुंध शिकार के कारण भारत में आखिरकार 3 चीते बच गए, जो 1947 तक थे, यानी जब हमारा देश आजाद हो रहा था। मित्रों, जो ये आखिरी 3 चीते भी थे, उन्हें भी छत्तीसगढ़ के महाराज रामानुज प्रताप सिंह देव ने शिकार कर लिया, यानी इन आखिरी चीतों को भी मार दिया गया। इसके साथ ही भारत में चीतों की संख्या खत्म हो गई, समाप्त हो गई, और 1952 में भारत से चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया। इसके बाद कई बार भारत में चीतों को बसाने की बात होती रही। नामबिया से पहले भी ईरान से बात की गई थी चीतों को लाने के लिए, लेकिन किसी कारण से वो प्रोग्राम ड्रॉप हो गया और ईरान से चीतों को भारत नहीं लाया जा सका, और बाद में हम नामबिया से चीतों को भारत में ला के बसा रहे हैं। नामबिया से जो चीते आ रहे हैं वो 8,000 किलोमीटर से भी अधिक दूर से आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वहाँ के वातावरण और यहाँ के वातावरण में अंतर होगा, और इसी के लिए भारत में कुन्नू नेशनल पार्क को ही चुना गया है। तो यहाँ कुन्नू नेशनल पार्क को क्यों चुना गया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मित्रों, कुन्नू नेशनल पार्क में इन चीतों के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन मौजूद है, और भोजन किसी जीव के विकास के लिए और किसी जीव के सर्वाइव के लिए सबसे प्राथमिक चीज है जो कुन्नू नेशनल पार्क में मौजूद है। वास्तव में दोस्तों, ये जो कुन्नू नेशनल पार्क में भोजन है वो 10 साल पहले एशियाई शेरों को यहाँ बसाया जाना था, उसी के लिए इस भोजन का विकास किया गया है। 10 साल पहले एशियाई शेरों को कुन्नू नेशनल पार्क में लाना था, और उसके लिए भोजन की व्यवस्था करने में 10 साल से भी अधिक का समय लग गया, और इसमें बहुत सारे जीव जो कि शेर का शिकार होते हैं, शेर का भोजन होते हैं, उनकी जनसंख्या को कुन्नू नेशनल पार्क में बढ़ाया गया। परंतु एशियाई शेर तो यहाँ नहीं आ सके, वो प्रोग्राम भी ड्रॉप हो गया, और एशियाई शेर नहीं आ पाने के कारण कुन्नू नेशनल पार्क में चीतों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध हो गया जो कि शेरों के लिए उपलब्ध था। तो यानी जो भोजन शेर के लिए था वो अब चीतों को मिलेगा। तो इस प्रकार कुन्नू नेशनल पार्क भोजन के मामले में चीतों के लिए बेस्ट जगह थी। मित्रों, कुन्नू नेशनल पार्क में जो जीव मौजूद हैं उनमें सांभर, चीतल, ब्लैक बग, बंदर, भालू, सांभर, चौसिंघा, बारासिंघा, लंगूर, बिल्लियाँ, चिंकारा, मोंगूज इत्यादि जीव हैं, जो कि उस प्रकार के जीव हैं जो चीतों के भोजन के लिए सफिशियंट है, यानी 40 से 60 किलो के बीच ही इनका वजन होता है, और ये इन जीवों को आसानी से शिकार करके खा सकते हैं। कुन्नू नेशनल पार्क में चीतों को लाने से पहले नामबिया के उस जंगल से जहां से चीते लाए गए हैं और कुन्नू नेशनल पार्क के वातावरण का सर्वे किया गया,
और यहाँ पाया गया कि कुनू नेशनल पार्क का जो तापमान है और नाम्बिया के उस जंगल का जो तापमान है, वहाँ जो बारिश होती है, वहाँ की जो आर्द्रता है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वो कुनू नेशनल पार्क से लगभग लगभग मैच करता है। यानी इन जीवों को कुनू नेशनल पार्क में वही वातावरण मिलेगा, वही इन्वायरमेंट मिलेगा जो इन्हें नाम्बिया में मिला करता था। इसके अलावा मित्रों, कुनू नेशनल पार्क में पर्याप्त बड़े बड़े घास के मैदान हैं और घास का मैदान चीतों के लिए काफी जरूरतमंद होता है, क्योंकि चीते तेजी से दौड़ लगा के अपना शिकार पकड़ते हैं और इन्हें दौड़ने के लिए मैदानों की जरूरत होती है और ये मैदान कुनू नेशनल पार्क में उपलब्ध है। मित्रों, कुनू नेशनल पार्क के अगल बगल के 24 गांवों को खाली करा दिया गया है ताकि यहां पर आबादी कम से कम हो, मानव की आबादी और चीतों का टकराव कम से कम, जिसके कारण चीतों को भी सुरक्षा हो सके और चीतों से मानवों को भी सुरक्षा हो सके। इस प्रकार इस क्षेत्र में आबादी बहुत कम है, जो चीतों के लिए सर्वाइवल के लिए काफी बेहतर है। इन चीतों को भारत में लाने से एक बेटर इकोसिस्टम डेवलप होगा और इकोसिस्टम तभी डेवलप होता है जहां पर्याप्त मात्रा में सारे जीव कार्निवोरस, ओमनिवोरस और हर्बीवोरस होते हैं और इस प्रकार इकोसिस्टम एक बेहतर तरीके से डेवलप करता है। मित्रों, यहां कुछ लोग चीतों के लाने का विरोध भी कर रहे हैं, जिसमें कुछ समाज के लोग हैं। तो दोस्तों, इन लोगों को इकोसिस्टम के प्रति जागरूक करने की जरूरत है, उन्हें ये बताने की जरूरत है कि सारे जीवों का बैलेंस हमारी प्रकृति में क्यों जरूरी है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको मैंने बताया कि चीते भारत में कैसे लाए गए और इनके लिए क्या प्रोग्राम किया गया है, आगे क्या होगा, और भी आगे चीते आएंगे, ये तो अभी पहली ही खेप है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।